एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा लिपस्टिक कलेक्शन, जो मेरा अब तक का लिपस्टिक कलेक्शन है इस यूट्यूब जर्नी में, जो मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन मेरे पास हुआ है। सो उस लिपस्टिक का कलेक्शन मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी लिपस्टिक है। और मेरे पास ये इतनी सारे लिपस्टिक्स हैं और जो कि मैंने इस कंटेनर में रखी हुई है। सो इन लिपस्टिक्स का मैं आप सभी को एक छोटा छोटा रिव्यू देती जाऊंगी, प्लस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती जाऊंगी और स्वॉचेस दिखाती जाऊंगी कि इनके स्वॉचेस जो हैं वो कैसे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स का शेयर। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और ये अनकट वीडियो होगा, इसमें मैं कोई भी कट नहीं ले रही हूँ और जस्ट मैं सिंपली आपको शो करती जाती हूँ वन बाय वन मेरे पास कौन कौन से लिपस्टिक्स हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी लिप लाइनर से, क्योंकि लिप लाइनर्स मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में लिप लाइनर्स नहीं है, क्योंकि मैं लिप लाइनर पर्सन नहीं हूँ। मैं लिपस्टिक्स लगा लेती हूँ, मैं डायरेक्ट ही लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, मैं कोई भी लिप लाइनर यूज ज्यादा नहीं करती। सो मेरे पास जो भी लिप लाइनर्स हैं वो है 1, 2 जो कि है इन कलर्स में। तो मैं इनको वन बाय वन शो करती हूँ कि कौन कौन से कलर्स हैं। तो सबसे पहला जो कलर मेरे पास यहाँ पर है वो है प्रिटी पिंक, और जो है ये स्विस ब्यूटी का है और प्रिटी पिंक शेड है और 1.8 ग्राम्स की इसकी क्वांटिटी है। सो ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है, ये ज्यादा मैं यूज नहीं करती इसलिए शॉप भी नहीं हुई है। और इसका जो शेड है वो कुछ है इस तरह का, ब्यूटीफुल पिंक शेड है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह का पिंक शेड है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा स्वॉच करके, ये इस तरह का पिंक शेड है, आप देख सकते हैं ये पिंक शेड है। और ये मैं ज्यादातर अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास इसे कलर का सेम लिपस्टिक है, तो मैं खाली लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, मैं लिप्स लाइनर्स में ज्यादा यूज नहीं करती। देन सेकेंड जो लिप लाइनर है वो है एल्विन का, और ये इसका जो शेड नंबर है वो है रोडियो रेड कलर। सो इसकी भी पैकेजिंग कुछ सिमिलर है इसी पैकेजिंग से। सो ये एक ब्यूटीफुल रेड शेड है। सो इसका मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ, इसका जो कलर है वो काफी ज्यादा प्रिटी रेड कलर है, प्रिटी टमेटो रेड कलर है इसका, काफी अच्छा कलर है फॉर द गर्ल्स के लिए प्लस लेडीज के लिए, काफी ज्यादा अच्छा कलर है ये। सो देन थर्ड वन जो है मेरे पास लिप लाइनर वो है, ये मैंने इस टाइम अपनी लिप्स पे भी अप्लाई कर रखा है, और ये है सेवन हेवन्स का, और ये है न्यूड ब्यूटी L48 इसका शेड नंबर है। और ये इसकी पैकेजिंग भी कुछ सिमिलर है, सबकी पैकेजिंग जो है सिमिलर है, और ये एक न्यूड कलर है। सो ये गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा शेड है, आप डेली बेसिस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये कलर, ये भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो थर्ड वन इज दिस कलर, एंड जो उसके बाद जो मेरे पास है कलर वो है फ्रॉम डेविस की साइड से, और ये लिप लाइनर प्लस आई लाइनर दोनों का काम करता है, वाटर प्रूफ है और इसमें विटामिन ई है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और ये एक ब्राउन शेड है, इसका कैप जो था शार्पनर वाला कैप आता है इसका वैसा कैप था, और इसका जो है मेरे पास खो गया है। सो इसका जो मैं आपको शेड दिखाऊं तो इसका जो शेड है वो कुछ इस तरह का है, ब्राउन कलर है, चॉकलेट ब्राउन कलर, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है ये ब्राउन कलर। सो ये तो है मेरे पास फोर लिप लाइनर जो कि मेरे पास है, क्योंकि मैं ज्यादा लिप लाइनर आपको बताया मैंने यूज नहीं करती। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लिप ग्लॉस। लिपस्टिक मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, जो चीज मेरे पास थोड़े थोड़े अमाउंट में सबसे पहले मैं वही शेयर कर देती हूँ जल्दी जल्दी। सो मेरे पास जो लिप ग्लॉसेस है वो है दो लिप ग्लॉसेस, आपको मैंने दिखा रखा है जो कि, सो जो भी अगर मैं प्रोडक्ट इसमें आपको दिखा रही हूँ, जो भी मैं आपको लिपस्टिक दिखा रही हूँ, उन सबके मैंने रिव्यूज शेयर किए हुए हैं, ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा, तो उनके मैंने रिव्यूज शेयर किए हुए हैं, आपको आई बटन पे आउट करके क्लिक आउट करके चेक कर सकते हैं वो वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में किसी का भी लिंक मेंशन नहीं करूंगी, बिकॉज इसमें मैंने किसी का भी मैं फुल रिव्यू शेयर नहीं कर रही हूँ। सो आपको जो डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, जो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है, आप उस वीडियो पे जब जाएंगे तो उसमें आपको उस लिपस्टिक्स का रिव्यू मिल जाएगा, और उसके उन रिव्यूज के जो डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो उसमें आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट का लिंक प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। सो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो मेरे पास है दो लिप ग्लॉसेस, और ये लिप ग्लॉसेस है फ्रॉम मिस क्लेयर, इसके भी मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ऊपर आई बटन आप जरूर चेक कर लें। सो
इनका मैं आपको शेड दिखा देती हूँ कैसा है। सो ये ब्यूटीफुल पिंक, न्यूड पिंक कलर है और ये ग्लॉसी कलर है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्रीमी मैट शेड है ये। सो मैंने यही जो है अप्लाई कर रखा है इस टाइम उस लिपस्टिक के ऊपर। सो ये काफी ज्यादा ग्लॉसी पिंक मैट शेड है। सो ये भी कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, काफी अच्छी पैकेजिंग है। इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो वीडियो चेक कर लेना। सो इसका जो प्राइस था वो है 125 रुपीज। एंड जो नेक्स्ट वन है वो भी इसी का ही है और वो शेड नंबर है 108 और ये शेड नंबर था 117। सो इसका भी प्राइस 125 रुपीज है इस लिप ग्लॉस का। और इसका जो अगर आपको मैं स्वॉच दिखाऊं तो ये पर्पल शेड है, तो गर्ली लोगों के लिए काफी अच्छा है, गर्ल्स के लिए और लेडीज के लिए। सो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है। सो अगर आप फेयर स्किन टोन के हो और मीडियम स्किन टोन के हो तो ये कलर आपके ऊपर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। सो ये वाला शेड्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे हैं तो इसलिए मैंने ये, देखिए आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है। सो दो लिप ग्लॉस हो गए एंड देन इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने क्रियॉन फॉर्म लिपस्टिक पर। सो मेरे पास जो क्रियॉन फॉर्म लिपस्टिक है वो है 5 मेरे पास क्रियॉन लिपस्टिक्स हैं जो कि NYB की थी, तो इनका मैंने रिव्यू प्लस स्वॉचेस शेयर किया हुआ है। तो इनके जो लिंक है अभी फिलहाल आपको जो वीडियो के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको वहां पर इसके भी लिंक दे दूंगी। सो ये आपको मैंने लिए थे 5 लिप शेड्स लिए थे और ये मेरे पास शेड नंबर है, जो पहला मेरे पास शेड नंबर है वो है शेड नंबर 3 जिसका नाम है सिटी फील गॉट ओन। सो ये न्यूडिश कलर है तो न्यूड कलर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, डेली बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं। तो उसका जो शेड है वो कुछ इस तरह का है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ब्राउन शेड है। बट मुझे ना इसकी पैकेजिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई इन लिपस्टिक्स की। मैंने NYB की लिपस्टिक ली तो थी बट मुझे इनकी पैकेजिंग से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। बिकॉज पता क्या होता है कि आप जब लिपस्टिक ले लेते हो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है थोड़े टाइम तक, बट जब आप इसको ओरिजिनली में जब शॉर्प करने चलते हो, जब आप पेंसिल को शार्प करते हो तो क्या होता है कि पेंसिल की जो निब है वो कुछ इस तरह की हो जाती है, जो आप देख सकते हो उस टाइप से, जो पेंसिल है वो बिल्कुल ऊपर से बेकार हो गई है और नीचे से इसका जो कैप है वो नीचे वाला भी निकल जाता है। इस वजह से मैं इस ब्रांड की जो पेंसिल क्रेयॉन फॉर्म लिपस्टिक्स हैं इनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि कलर बहुत अच्छे हैं, मैट फॉर्म में है कलर और कुछ थोड़ा सा ग्लॉसी शेड्स में है कलर। कलर से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं उनके कलर्स जो है, क्योंकि शेड्स काफी सारे दिए गए हैं और उनका जो फॉर्मूला टेक्सचर एवरीथिंग आर वेरी गुड। बट जो इसकी पैकेजिंग है उससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही यूजलेस पैकेजिंग हो जाती है लास्ट में आते बिल्कुल ही। मैंने अभी तक इतनी सारी लिपस्टिक बचा है उसके बाद इसकी पैकेजिंग का ये हाल है, कितनी बार भी शॉप कर लो ये लिपस्टिक ऐसी की ऐसी रहती है। सो फर्स्ट शेड था मेरा ये एंड जो मेरा सेकेंड शेड है वो है शेड नंबर 7 फर्स्ट बेस स्पेशल, वो एक ब्यूटिफुल पिंक कलर है। सो इसका जो स्वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका स्वॉच है कुछ इस तरह का, ये वाला पिंक शेड है, ये थोड़ा रेड पिंक मिक्स शेड है। एंड जो नेक्स्ट शेड नंबर है वो है 10 और इसका नाम है यू टच ऑल माय बेसिस। और इसका जो आपको मैं स्वॉच दिखाऊं तो उसका स्वॉच मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये पर्पल पिंक कलर का कुछ शेड है, आप देख सकते हैं पर्पल पिंक कलर का शेड है। मेरे को ज्यादातर पर्पल और पिंक कलर ही पसंद आते हैं, इस वजह से मैं ये पिंक हो गया और न्यूड कलर ब्राउन कलर आ गया, मैं इसी तरह के ही कलर लेना पसंद करती हूँ। एंड देन इसके बाद है मेरा शेड नंबर 20 जिसका नेम है ऑन एम्पायर नीडेड टू नाइट। ये इसका जो शेड है वो कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो ये भी कुछ इस तरह का पिंक शेड है, थोड़ा सा न्यूड पिंक में है। एंड जो नेक्स्ट शेड है इसका मेरे पास वो है शेड नंबर 4 बैड गाइज चॉइस। सो इसका भी ये भी न्यूड कलर है। सो इसका जो आपको लिप शेड दिखा देती हूँ मैं, ये भी कुछ इस तरह का न्यूड शेड है, डेली बेसिस के लिए शेड काफी ज्यादा प्यारे हैं। सो नेक्स्ट शेड ये हो गया। सो मैंने ये सारे ही जो है ये कवर कर लिए हैं शेड सारे, और शेड्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लग गए हैं बट इनकी पैकेजिंग से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्रियॉन फॉर्म। सो मेरे पास क्रियॉन फॉर्म में 3 लिपस्टिक्स हैं
जो कि मैंने लोकल स्टोर से ली थी, जिनका मैंने भी फुल रिव्यू शेयर कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका चेक कर लेना, इनके रिव्यू का। फर्स्ट जो मैंने लिया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, ये थी हिलेरी ड्यूडॉ के ड्यूप थे, और ये मैंने आई थिंक 75 रुपीज में लिए थे शायद। ये मेरे पास शेड नंबर है 21, जो कि है एक ब्यूटीफुल न्यूड ब्राउन कलर, और ये काफी हद तक ये मेरा फिनिश हो चुका है कलर, क्योंकि काफी ज्यादा मुझे पसंद है ये कलर। ये कलर बिल्कुल फिनिश हो चुका है, आप देख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, इसका शेड का। इसका जो शेड है वो काफी ज्यादा प्यारा शेड है, और शेड काफी ज्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो। ये ब्राउन कलर है, कोको ब्राउन कलर है। ये फिनिश हो चुका है, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट इज दिस, और नेक्स्ट वन कलर है वो है हिलेरी रोडा का ही है वो कलर, और वो है शेड नंबर 20, और वो है एक रेड कलर है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कलर है। ये मेरा अभी फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि मैं रेड कलर इतना ज्यादा लगाती नहीं हूँ। और इसका जो स्वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ, काफी ज्यादा क्रीमी है, क्रीमी टेक्सचर में है ये क्रेयॉन्स, और शेड काफी ज्यादा प्यारा है, और इनके अंदर हल्की सी फ्रूटी स्मेल होती है, जैसे फ्रूट की स्मेल होती है स्ट्रॉबेरी वगैरह की, तो वैसी इसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है। ये मैंने लिपस्टिक्स ली थी, और इनका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिपस्टिक का, अगर आप देखना चाहते हो उसका रिव्यू। एंड नेक्स्ट जो मेरे पास है एक और क्रियोन फॉर्म में लिपस्टिक, वो है ये एल्विन की है लिपस्टिक, और इसका शेड है 21। ये एल्विन की है लिप क्रियोन, और ये पिंक शेड है, क्योंकि पिंक शेड मैंने ऐसा कहा कि मुझे पिंक शेड और न्यूड शेड काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास ये पिंक शेड है, ये भी मेरे पास, और इसका जो मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ, उसका भी स्वॉच काफी ज्यादा प्यारा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है वन स्वाइप में, कितना अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। ये काफी ज्यादा अच्छा शेड है। ये थे मेरे तीन क्रियोन फॉर्म के लिपस्टिक, जो कि अनदर वन विच इज रिट्रैक्टेबल फॉर्म। एंड नेक्स्ट जो मेरे पास थ्री लिपस्टिक्स हैं, वो हैं फ्रॉम द ब्रांड मेलिन, और ये काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है अगर आपने सुना हो तो। इसका जो लिपस्टिक है आई थिंक 170 to 180 रुपीज समथिंग है इसका एक लिपस्टिक। और मेरे पास जो सबसे पहला शेड है इस लिपस्टिक का वो है 818, जिसका शेड नंबर शेड नेम है ब्लड रेड, और ये इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की है। इसका मैंने रिव्यू शेयर नहीं किया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो इसका मैं फुल रिव्यू शेयर कर दूंगी। ये शेड रेड है, और ये काफी हद तक बिल्कुल फिनिश हो चुका है कलर, आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिश कलर है। बट फिलहाल इसका मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ, इसके रेड शेड का। ये मैट लिपस्टिक है, तो ये शेड इसका काफी ज्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो ये मैट लिपस्टिक है, देखिए आप देख सकते हैं ये मैट लिपस्टिक है, और उसके जो शेड है वो काफी ज्यादा प्यारा है। तो ये है फर्स्ट शेड, जो कि रेड कलर है। एंड देन जो सेकेंड वन कलर है वो है मेलिन का 820 शेड, और जिस जो है शेड नेम ब्लश। ये एक ब्यूटीफुल न्यूड कलर है, जो कि इस टाइम मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया हुआ है। जो इसका स्वॉच है मैं आपको दिखा देती हूँ, हाथ पे जगह ही नहीं बची है मेरे, और तो यहाँ मैं आपको उसका स्वॉच दिखा देती हूँ। ये एक न्यूड कलर है, ये न्यूड कलर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। डेली बेसिस के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा कलर है ये। नेक्स्ट वन इज दिस, एंड जो इसके बाद जो मेरे पास शेड है वो है इसका 819, और इसका जो शेड नेम है वो है रानी। इसका ये ब्यूटीफुल पिंक शेड है, पिंकिश पर्पल शेड है। इसका स्वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ अपने हैंड पर करके। ये तो ये जो शेड है ये कुछ इस तरह का शेड है, इस तरह का पिंक शेड है। ये थे मेरे मेलिन के शेड। एंड जो वी आर मूविंग ऑन टू अनदर शेड, मेरे पास है नेक्स्ट कलर जो है मेरे पास है ब्लू हेवन के। ब्लू हेवन के मेरे पास जो है दो लिपस्टिक्स हैं। ब्लू हेवन का जो फर्स्ट वन कलर है, ब्लू हेवन ने जो लॉन्च किया था कलर, वो है ब्लू हेवन का वॉक फ्री लिपस्टिक्स। आई थिंक आप लोगों के पास होगी ये लिपस्टिक, तो वॉक फ्री लिपस्टिक, और मेरा शेड नंबर है 19, और ये एक रेड कलर है। ये आप देख सकते हैं बुलेट फॉर्म में लिपस्टिक है, और इसका जो मैं आपको स्वॉच दिखाऊं, आपको दिखा देती हूँ मैं स्वॉच। इसका जो स्वॉच है इस रेड कलर का, ये कुछ इस तरह का स्वॉच है, ये थोड़ा सा क्रीमी मैट
लिपस्टिक है, क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं ये, और ये बुलेट लिपस्टिक्स हैं, और इनका प्राइस आई थिंक ये भी 120 अप्रॉक्स समथिंग है, कुछ 125 समथिंग। सो अगर आप इसका रिव्यू चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर आप इस लिपस्टिक का रिव्यू करवाना चाहते हो तो मैं आपको आपके लिए जरूर करूंगी। आप बस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि किस चीज के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो। सो नेक्स्ट वन इज दिस, और इसके बाद जो ब्लू हेवन की मेरे पास लिपस्टिक है वो है, ये है ब्लू हेवन की गॉसिप मैट लिपस्टिक, और मेरा शेड है 04, और इस लिपस्टिक का मैंने फुल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके रिव्यू का, सो आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हो इसके रिव्यू को। सो ये है ब्यूटीफुल पिंक शेड, इसकी पैकेजिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इसकी पैकेजिंग है। सो पैकेजिंग वाइज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और शेड वाइज और शेड भी इसका काफी ज्यादा प्यारा है, और जो इसका शेड है वो है कुछ इस तरह का पिंक शेड, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ पिंक शेड है, आप देख सकते हैं इस तरह का ये पिंक शेड है, जो कि गर्ल्स के लिए डेली बेसिस के लिए काफी ज्यादा अच्छा कलर है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है। अगर आप पिंक लिपस्टिक के फैन हो तो आप इस लिपस्टिक को ट्राई कर सकते हो फॉर द डेली बेसिस। सो ये थे मेरे पास ब्लू हेवन के कलर, एंड देन जो नेक्स्ट वन है वो मेरे पास वो कोई एक लोकल ब्रांड है जो कि है फॉर मेबेले। सो मेरे पास इसका शेड है 55, शेड नंबर है, शेड इस पे नाम नहीं दिया हुआ कि शेड का नाम क्या है, बट इसका जो स्वॉच है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसकी कुछ इस तरह की बुलेट फॉर्म में इसकी लिपस्टिक की पैकेजिंग है, पैकेजिंग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि इस तरह से टाइटली बंद हो जाती है। सो ये भी एक रेड कलर की बुलेट फॉर्म लिपस्टिक है। सो इसका जो स्वॉच है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा टमेटो रेड कलर है। सो ये भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है। सो आई थिंक लास्ट लिपस्टिक मेरे पास यही है, बाकी मैंने आपके साथ सभी लिपस्टिक का रिव्यू जो है शेयर कर दिया है, इसमें जो कलेक्शन था मेरे पास लिपस्टिक का, और आप देख सकते हैं मेरे पूरे हैंड्स के ऊपर पिंक, न्यूड कलर, ब्राउन कलर और रेड कलर का ही आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे यही शेड जो है ज्यादा पसंद है। सो ये था मेरा आज का मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स साथ शेयर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।